लो मम्मी गिफ्ट लो मम्मी गिफ्ट अच्छा ये मैं गिफ्ट तो गाइज आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और से नए से ब्लॉग में और अभी बज रहा है 12 और आज है मदर्स डे तो मम्मी का गिफ्ट आ गया है तो गिफ्ट आ गया पर एक हम किए थे और एक मुस्कान दी की थी तो मेरा वाला नहीं आ पाया ऑनलाइन किए थे पता नहीं क्यों नहीं आया और उसका वाला आ गया मेरा लक थोड़ा सा खराब लगता है तो मेरा में भी बोला है 13 मई को आएगा तो 13 मई को ही मेरा गिफ्ट मम्मी को मिल पाएगा और उसका आज के ही दिन आ गया मेरा किस्मत बहुत कोई नहीं गिफ्ट तो गिफ्ट होता है आज मिले या कल मिले क्या दिक्कत है तो चलिए जो आया है मम्मी को वही दे देते बोलते मेरा आ गया देखते हैं मम्मी पहचान पाती है या नहीं हमको पता है वो मेरा नहीं है मेरा 13 मई को आएगा तो चलिए मम्मी को कहते हैं मेरा ही आ गया चलिए आपको गिफ्ट दिखाते हैं तो ये है वो हमारा गिफ्ट जो कि मैंने मंगाया है मम्मी के लिए तो ये आया है मिंत्रा से सबसे पहले तो इसको सैनिटाइज करते हैं जो भी है भाई सैनिटाइज कर लेना चाहिए और अब मम्मी को देते हैं तो चलिए मम्मी को ये गिफ्ट देते हैं मदर्स डे का लो मम्मी गिफ्ट लो मम्मी गिफ्ट अच्छा ये मैं गिफ्ट खोलो खोलो एक मेरा आया है मुस्कान दी का नहीं आया चलो खोलो उसी का आया ए नहीं मेरा था ये हम ऑर्डर किए थे चलो मम्मी खोलो तो गाइज मम्मी पहचान ली वो मुस्कान दी का ही गिफ्ट था तो मेरा भी आ जाएगा 13 मई को अभी नहीं आया है तो मम्मी को गिफ्ट तो मिल गया मेरा 13 मई को मिल जाएगा कोई बात नहीं एक गिफ्ट तो गिफ्ट होता है आज मिले या कल मिले गिफ्ट तो मिल गया ना तो हम भी वही क्लोथ ही ऑर्डर किए हैं और वो भी क्लोथ ही ऑर्डर की थी तो दोनों का किए थे सेम डेट पर पता नहीं होता है डिलीवरी का कोई जल्दी आ जाता कोई लेट तो उसका आ गया मेरा नहीं आया चलिए अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा सोने क्योंकि बहुत नींद आ रहा है हमको आज संडे फिर भी सुबह हम 7 बजे उठे थे फिर भी हमको नींद आ रहा हम जा रहे सोने फिर आपको मिलते हैं थोड़ा देर के बाद बाय तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मौसम बहुत सुहावना है ना ये तो आती ही नहीं है ब्लॉग में ना ही हम इसको लेंगे तो मौसम बहुत आज अच्छा है बहुत दिनों के बाद और पता नहीं क्यों जब हम ब्लॉग स्टार्ट किए तो हल्का हल्का धूप आ गया अभी इतना अच्छा था क्या ही कर सकते गजब बजती है और आपको देखिए दिखाते हैं अक्षय को आप लोग जानते हैं मेरा जो फ्रेंड है देखिए एकदम विंडो पे बैठ के पबजी खेल रहा है रुक के दिखाते हैं आपको तो गाइस देखिए ये हमारे अक्षय जो कि विंडो पे बैठ के पबजी खेल रहे हैं अगर आपको दिख रहा होगा तो बड़ा मस्त से पबजी खेल रहे हैं पबजी बैन है फिर भी ये पबजी खेल रहा है देखिए अब ये ब्लॉग देखेगा तब इसको पता चले अक्षय सुनेगा ही नहीं हेडफोन लगा के खेल रहा है अक्षय नहीं सुनेगा देख रहे हैं एकदम पबजी में मगन अच्छा है खेले खेले अब ये ब्लॉग देखेगा तब इसको पता चलेगा तो गाइस अभी कुछ ऐसा सीन है अभी शाम हो गया है लगभग 7 बजने वाला तो जब शाम में हम व्लॉग स्टार्ट किए थे तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था तो हम सोचे चलिए व्लॉग बनाते हैं तो जैसे ही व्लॉग बनाने के बस फिर से धूप निकल आए पता नहीं क्या दिक्कत है भाई हम व्लॉग बनाएंगे तो धूप ही आ जाता है बहुत गलत गजब बेइज्जती है खैर छोड़िए वो तो जैसा हुआ अब तो शाम हो गया तो अब हम जा रहे हैं दवा लेने जो कि लेने जाना पड़ता है हमको क्योंकि मेरे घर में बहुत है तो दवा लेने जाना है तो अभी बज रहे हैं 7 और अभी हमको बाहर जाना है तो चलिए चलते हैं बाहर और थोड़ा सा देखते हैं कैसा है बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं लास्ट टाइम उसी टाइम गए थे जब व्लॉग बनाए थे उसके बाद हम बाहर नहीं गए बाहर बहुत कम निकलते हैं जब काम रहता है तभी निकलते हैं
तो अभी हमको दवा लेने जाना है, तो अब हम जाते हैं और देखते हैं कैसा है रोड। तो बिल्कुल पूरा शांत होगा, कोई लोग नहीं होंगे। जो अभी तो मेन वही लोग होते हैं जो दवा लेने जाते हैं, क्योंकि दवा का दुकान रात तक खुला रहता है और बाकी सब दुकान बंद हो जाता है। तो इसलिए अभी चलते हैं और हम मास्क लगा लेते हैं और फिर आप चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं रोड पे दवा लेने। चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है दवा। आगे मिलेगा, आगे एक दुकान है उसी में। चलिए चलते हैं। रोड आप देख सकते हैं पूरा एकदम शांत। देखिए गाइस, ये जो भी होता है मच्छर मारने वाला पूरा रोड पे दे दिया है। हर बात कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको तो। हाँ बच्चे एकदम अचानक से आ गया यार। हमको तो लगा भाई क्या आ गया अचानक से, इतना ठंड में कोहरा कहाँ, मतलब सॉरी गर्मी में कोहरा कहाँ से आ गया। खैर हवा चल रहा है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं और ये रोड भी बहुत अच्छा बन गया, पहले नहीं था बना हुआ। और ये हम पहुँच गए हैं, बस अब पहुँच ही रहे हैं। साइड में लगाते हैं हमारा। तो चलिए दवा लेते हैं और फिर आपसे बढ़ जा रहे हैं। तो देख सकते हैं पूरा रास्ता खाली है लगभग। तो चलिए आप सीधा आपको मिलते हैं घर पे। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और अभी बहुत कस के भूख लग गया। तो ये जो भी है मुस्कान जी, वो बनाई है चाउमीन, देखिए आपको दिखाता है। मम्मी का फेवरेट है इसलिए बनाया है ना। अब वो बोले, वो बोलती भी नहीं, बहुत शर्माती है जब। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा बना है। देखिए ये हमारा है चाउमीन, देखते हैं कैसा है बना है। ऐसे वो अच्छा ही बनाती है, खा के पता चलेगा कैसा है। तो खाते हैं और फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं। देखिए हंस रही है, पर दिखा नहीं सकते उसको, बहुत शर्माती है, क्या कर सकते हैं। चलिए खाते हैं, बहुत कस के भूख लगा हमको तो भाई। तो गाइस हमारा व्लॉग अब यहीं तक आज के लिए, ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं vishal_26075 पे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और से नए से ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही।